हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ MCO 6 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है रेलेवेंस ऑफ एनवायरमेंट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में एनवायरमेंट का क्या रेलेवेंस होता है, किस तरीके से ये रेलेवेंट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। उसके पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको कि आप चाहे तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ही एक नॉमिनल फी पे करना होता है। ये डिटेल्स है यहाँ पे इग्नू की। यहाँ पे आपको आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको 100 असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा। यू विल गेट एवरी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगी इग्नू के एडमिशन से रिलेटेड, इग्नू के फॉर्म फिलअप से रिलेटेड, इग्नू के सेकंड ईयर के एडमिशन से रिलेटेड, हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आप तक जो है प्रोवाइड कराई जाएगी। आपकी स्टडी स्मूथली चलती रहे, उसी के कारण से हम लोगों ने ये मेंबरशिप प्लान स्टार्ट करा है। मैं चाहूंगा कि आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस चीज में हिस्सा ले पाए और उनको बेनिफिट जो है वो हो पाए। ठीक है, साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि इग्नू का जो प्लेलिस्ट है हमारा, कॉमर्स की पाठशाला का प्लेलिस्ट में आपको जाना है, एमकॉम के प्लेलिस्ट में आपको जाना है, जहां पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है ना, तो आज के हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है रेलेवेंस ऑफ एनवायरमेंट इन मार्केटिंग। जी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीड दैट मार्केटिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी कंप्राइजेस अ वैरायटी ऑफ फोर्सेस। मोस्ट ऑफ दीज फोर्सेस आर एक्सटर्नल टू द कंपनी एंड मे नॉट बी कंट्रोलेबल बाय द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो बात बोली गई ये है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट जो होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे भी फोर्सेस होते हैं जिनका कंट्रोल आपके पास नहीं होता, जो कि आपकी कंपनी के बाहर के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो है अपनानी पड़ती है। इवन जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके कंट्रोल में भी नहीं होते ये सारे के सारे फोर्सेस, है ना? ये बात यहाँ पे बोली गई। देखो, मोस्ट ऑफ दीज फोर्सेस आर एक्सटर्नल टू द कंपनी एंड मे नॉट बी कंट्रोलेबल बाय द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। सो द मार्केटिंग सिस्टम ऑफ द कंपनी हैज टू ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दीज एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल फोर्सेस। तो जो मार्केटिंग सिस्टम होता है उस कंपनी का, उनको इसी एवर चेंजिंग एनवायरमेंटल फोर्सेस के फ्रेमवर्क के अंदर में आपको जो है काम करना होता है। ये जो एनवायरमेंटल में चेंजेस हो रही है उसके साथ आपको तालमेल बिठा करके जो है आपको अपने बिजनेस को रन करना होता है। दिस इज अनसर्टेन मार्केटिंग एनवायरमेंट ऑफर्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड शॉक्स एंड थ्रेट्स। अब ये जो एनवायरमेंट है आपका, है ना, जो कि अनसर्टेन है, ये आपको समटाइम्स जो है अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, समटाइम आपको ये शॉक भी देता है, और समटाइम ये आपके लिए थ्रेट भी क्रिएट करता है आपके बिजनेस के लिए। तो आपको अकॉर्डिंगली, अगर अपॉर्चुनिटी है तो उसके अकॉर्डिंगली, शॉक्स अगर थ्रेट्स मिल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अपने बिजनेस एक्टिविटीज को प्लान करना होता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू स्कैन द चेंजिंग एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूअसली। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए कि जो भी चेंजेस एनवायरमेंट हो रही है उसको वो अच्छे तरीके से स्कैन करे, बहुत बढ़िया तरीके से देखते रहे, और जो भी उनकी मार्केटिंग मिक्स की स्ट्रेटेजी है वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको तैयार करे और डेवलप करे मार्केटिंग अपने एनवायरमेंट को, राइट? ये बात यहाँ पे बताई गई है। आगे चलते हैं। द कंपनी रिस्पॉन्ड्स टू ऑल दीज एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड फोर्सेस बाय इट्स पॉलिसीज डिपेंडिंग ऑन इट्स कैपेबिलिटी, पर्टिकुलरली द फाइनेंस, सेल्स फोर्सेस एंड टेक्निकल फैसिलिटीज। तो जो कंपनीज होती हैं, देखो उनको पता है कि जो एनवायरमेंट है वो भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ चीजें बदल रही हैं हमेशा। तो उसके लिए जो कंपनी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज को बनाती हैं या फिर उसमें चेंज लाती हैं, है ना? तो उनकी जो कैपेबिलिटी है पॉलिसीज को चेंज करने की, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या फिर सेल्स फोर्सेस से रिलेटेड हो या फिर टेक्निकल फैसिलिटीज से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी जो है चेंजेस वो लोग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है ना? अमंग ऑल दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सम ऑफ देम मे बी कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू सम एक्सटेंट एंड अदर्स मे बी अनकंट्रोलेबल। तो ये जो जितने भी सारे फैक्टर्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वो सारे फैक्टर्स समटाइम्स जो होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कुछ एक्सटेंट तक ही होते हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हो, और कुछ और जो फैक्टर्स होते हैं वो बिल्कुल ही आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एग्जाम्पल्स क्या है मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ अभी फिलहाल। उसे हम कहते हैं पेस्टल। पेस्टल का आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, लीगल, है ना, एंड इकोनॉमिकल, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसको जिसके जिस फैक्टर्स को आप कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हो, बट पूरी तरह से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके बिजनेस के बाहर के एनवायरमेंट का हिस्सा होता है। मैक्रो एनवायरमेंट फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल बाय फर्म्स, वेयर एज माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में भी कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट। वही बात बोली गई कि जो मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जो मैंने अभी आपको बताया पेस्टल,
उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अनकंट्रोलेबल होता है क्योंकि वो बिजनेस के फर्म के बाहर से काम कर रहा होता है। लेकिन जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, इंप्लॉइज हो गए, है ना, मैनेजमेंट हो गया आपका, इन सब चीजों को आप कुछ हद तक, सप्लायर हो गया आपका, यू नो गवर्नमेंट हो गया आपका, इसको कुछ हद तक जो है आप कंट्रोल कर सकते हो पॉलिसीज को, लेकिन इसको भी आप बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। फॉर इंस्टेंस, ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एनवायरमेंट कैन बी कंट्रोल बाय द फर्म टू अ लार्ज एक्सटेंट। सिमिलरली द फर्म्स कैन एक्सर्ट सम इन्फ्लुएंसेस ऑन सप्लायर्स, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय ऑफरिंग लिबरल टर्म्स। अब देखो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने की बात की जा रही है, मतलब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अपने सप्लायर्स को, अपने डीलर्स को और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ये आपके कंपनी के अंदर का हिस्सा है, इसको हम बोलेंगे माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो कि आपके कंपनी के अंदर का हिस्सा है। एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड थ्रू इट्स एडवर्टाइजिंग एफर्ट, अ फिन कैन इन्फ्लुएंस द प्रोस्पेक्टिव एंड प्रेजेंट कंज्यूमर्स। तो इसमें जो एडवर्टाइजिंग एफर्ट होता है, इसका इस्तेमाल अगर आप करोगे तो हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्टिव एंड जो प्रेजेंट कंज्यूमर्स हैं, आप उसको इन्फ्लुएंस कर सको। तो ये कुछ हद तक पॉसिबल भी है, कुछ हद तक पॉसिबल नहीं भी है ना। ईच एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट हैज सम रेलेवेंस इन मार्केटिंग। हर एक जो एस्पेक्ट एनवायरमेंट का, उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है मार्केटिंग में। इट इज इजी टू इमेजिन हाउ बिजनेस, हाउ वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड एंड सप्लाई, द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल पॉलिसीज, है ना। आपको ये एक तरीके से इमेजिन करना काफी आसान है आपके लिए कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई जो फैक्टर होता है, वो किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को, या फिर हमारे हमारा जो एनवायरमेंट है, वो किस तरीके से हमारे डिमांड एंड सप्लाई को अफेक्ट करता है, हमारा एनवायरमेंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशनल पॉलिसीज को अफेक्ट करता है। उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि विद द ऑयल क्राइसिस देयर विल बी डिमांड फॉर मोर ऑयल एफिशिएंट मशीन्स, है ना। जब ऑयल क्राइसिस हो जाएगी तो आपको ऑयल एफिशिएंट मशीन्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि कम ऑयल लेकर के ज्यादा से ज्यादा काम करे कर सके। सिमिलरली द पॉपुलैरिटी ऑफ कंप्यूटर्स विल क्रिएट डिमांड फॉर मोर कंप्यूटर्स एंड ऑपरेटर्स। तो जिस तरीके से कंप्यूटर्स का डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ेगा, और मतलब कंप्यूटर्स का जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, मतलब एनवायरमेंट में जिस तरीके से उसका उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। प्रोग्रामर्स का डिमांड बढ़ेगा, वोल्टेज एंड स्टेबलाइजर्स का भी डिमांड बढ़ेगा। The following benefits of environmental scanning have been suggested by various authorities. तो ये कुछ benefits हैं जो कि बताए गए हैं environmental scanning के, वो मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला point है, it creates an increased general awareness of environmental changes of the part of the management, है ना। तो ये एक तरीके से आपके अंदर एक general awareness create करता है environmental changes को लेकर, कि आपके environment में जो भी बदलाव हो रहे होते हैं, उसको एक तरीके से समझाने के लिए, उसको एक तरीके से समझने के लिए, ये जो है आपके लिए एक general awareness type का एक जो है environment create करता है, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल पाती है कि एक organization जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, right? तो ये पहला point हो गया। दूसरा point है, it guides with greater effectiveness in matters relating to government. अब ये एक तरीके से आपको guide करता है कि जो government के matters हैं, उसको आप किस तरीके से यू नो हैंडल करोगे, उसको आप कितनी effectively आप हैंडल कर सकते हो, उस काम में भी जो जो environmental scanning है वो आपकी help करता है। तीसरा नंबर है, it helps in marketing analysis. तो definitely जो environmental scanning है वो आपकी help करता है marketing analysis में, आपको ज्यादा help पहुंचाता है कि किस तरीके से आप marketing environment को आप analyze कर सकते हो, ठीक है ना। चौथा पॉइंट अपन देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है, इट सजेस्ट्स इंप्रूवमेंट्स इन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशंस। अब ये जो है एक तरीके से आपको हेल्प करता है कि किस तरीके से आप अपने डाइवर्सिफिकेशन को, जो आपने डाइवर्सिफाइड करके रखा है अपने प्रोडक्ट्स को, उसको आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने एलोकेशंस को, जो आपके रिसोर्सेज एलोकेशंस हैं, आप उसको इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। इट हेल्प्स फर्म्स टू आइडेंटिफाई एंड कैपिटलाइज अपॉन अपॉर्चुनिटीज रादर देन लूजिंग आउट टू कॉम्पिटिटर्स, है ना। अब जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है वो आपकी हेल्प करता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को, आप अपने अपॉर्चुनिटीज को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाओ, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर्स से लड़ पाओ। अगर आप ठीक तरीके से इन सब चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपको खा जाएंगे, वो आपको निगल जाएंगे, आपका बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट। उसके बाद का पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट दैट कैन बी सब्सिक्वेंटली बी ऑफ वैल्यू ऑफ डिजाइनिंग द स्ट्रेटजीज। तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक तरीके से क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करता है, जहां पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने स्ट्रेटजीज को डिजाइन कर सकते हो, है ना। देखो जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है, कोई भी पॉलिसी बनानी होती है, तो आपके पास चीजें जो है क्वांटिफाई वे में होनी चाहिए, ताकि आप चीजों को ठीक तरीके से समझ सको और उसको ठीक तरीके से यू नो इंप्लीमेंट कर सको। तो उसके लिए क्वांटिफाई वे में होना, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी स्ट्रेटजी को डिजाइन करने के लिए इस चीज की आवश्यकता पड़ती है, और एनवायरमेंटल स्कैनिंग के थ्रू आपको इस चीज जो आवश्यकता है वो आपकी
पूरी होती है। आखिरी पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूइंग बोर्ड बेस्ड एजुकेशन फॉर एग्जीक्यूटिव इन जनरल एंड द स्ट्रेटजीज इन पर्टिकुलर, है ना। तो ये एक तरीके से लगातार कंटिन्यूइंग तरीके से आपको जो है ब्रॉड बेस्ड यू नो एजुकेशन प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव को, और इन जनरल जो है उनको स्ट्रेटजीज किस तरीके से बनानी है उसमें भी हेल्प करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेलिवेंस ऑफ एनवायरमेंट इन मार्केटिंग। आई होप कि आपको ये काफी पसंद आया होगा ये वीडियो, जहां पे मैंने आपको रेलिवेंस ऑफ एनवायरमेंट बताया मार्केटिंग में कि क्या इसका रेलिवेंस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।